क्लास सेवन चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन प्लांट। इन दिन चैप्टर टॉपिक टू बी कवर्ड न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉप्स, सिम्बियोसिस, रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट इन द सॉयल। इन प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड द फूड इज वेरी मच इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग। All living beings need food for their growth and also for their survival. Food gives us energy to do work and to carry out the other life process. In this chapter, we will discuss about the nutrition in plant. Nutrition. When we walk or ride a bicycle, we are using up energy even when we are not doing any such activity. Energy is needed to carry out the life process. We also need food material from outside in order to the growth and repair of the damaged part of our body. The component of the food which are necessary for our body are carbohydrate, protein, fat, vitamins and mineral. These are called nutrients. The process of taking in food by on an organism and used by its body is called nutrition. And nutrition, हम जब चलते हैं या साइकिल बाइसाइकिल चलाते हैं तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं। वे या किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी जो हम भी कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है हमारे लाइफ प्रोसेस में। वी आल्सो नीड फूड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन आर्डर द ग्रोथ द रिपेयर। और अगर हमारे बॉडी में कोई भी डैमेज होता है तो उसके लिए भी हमको न्यूट्रिशन चाहिए। ये जो कंपोनेंट द फूड जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होती है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, दीज आर कॉल न्यूट्रिएंट। The process of taking in food an organism and used by its by called nutrition, यानी वो process जिसके द्वारा कोई organism अपने life को life process को चलाने के लिए food take करता है या उसके body के द्वारा use किया जाता है वही nutrition है। Mode of nutrition in plant, the general requirement for energy in common in all living being, यानी जितने भी लिविंग बींग हैं उनको अपना कोई भी वर्क या कुछ भी करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। बट इट फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे, जो ये हमारे कई वे में जो है ये ऑब्टेन किया जाता है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल मटेरियल टू मेक फूड वेयर द अदर ऑर्गेनिज यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स मटेरियल। ये कुछ जो है ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल मटेरियल यूज करते हैं अपने फूड को बनाने के लिए और दूसरे जो है कॉम्प्लेक्स मटेरियल। दस आल लिविंग बींग्स शो टू टाइप्स न्यूट्रिशन। सभी प्रकार के जीव में दो तरह का न्यूट्रिशन होता है। एक होता है, फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकेंड होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब वी नो वाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ नरिशिंग, दे मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज टेकन फ्रॉम द सन। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है सेल्फ नरिशिंग करते हैं और खुद अपने आप को जो है न्यूट्रिशन देते हैं और ये अपना भोजन जो है सिंपल रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से लेके वाटर जो है सॉयल से, और एनर्जी जो है जो रिक्वायर्ड दिस प्रोसेस इज टेकन फ्रॉम द सन, यानी एनर्जी सन से लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ऑन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है विच यानी ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड बाई ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट जो प्लांट होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सच प्लांट आर देयर फॉर
कार्ड ऑटोट्रॉप्स, और इस टाइप के जो है पौधों को जो है ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द टर्म फोटोसिंथेसिस वॉज गिवेन बाई चार्ल्स राइड बर्न्स इन 1883। द सेल ऑफ ग्रीन लीव एंड यंग स्टेम ऑफ प्लांट कंटेन न्यूमरस ग्रीन स्ट्रक्चर कार्ड क्लोरोप्लास्ट। 1883 में राइड बर्न्स ने ये टर्म फोटोसिंथेसिस दिया और द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स एंड यंग स्टेम, जो ग्रीन पत्तियां होती हैं और जो न्यू मतलब यंग स्टेम मतलब तना होती है, वो जो है ये ग्रीन स्ट्रक्चर कंटेन करती हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है हरा होता है क्योंकि इसके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। इट इज द क्लोरोफिल दैट ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। द लीव टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू टिन पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो क्लोरोफिल है ये जो है सन से सनलाइट एनर्जी मतलब लेता है और ये पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड एयर लेती हैं और इनके पास जिसके द्वारा लेती हैं इनके पास एक जो है टीनी पोर होता है जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। दीज आर पोर आर प्रेजेंट इन द लोअर लोअर साइड ऑफ द लीव। द स्टोमेटा सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। इनर सरफेस में लीव्स के जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और स्टोमेटा जो है सराउंडेड द गार्ड, इसके चारों जो है गार्ड सेल होते हैं। दिस गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। और ये जो गार्ड सेल होते हैं वो स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर प्रेजेंट इन रूट। और जो प्लांट के रूट होते हैं वो सॉइल से वाटर लेते हैं, जैसे इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं ये रूट से कहते हैं वाटर ले रहा है, ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो रहा है, लाइट सन से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन बाय द लीफ फ्रॉम द एयर फ्रॉम द ग्लूकोज। ग्रीन आप जो देख रहे हो ये फिगर 1.2 में क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा ये जो बाहर आप देख रहे हो वो गार्ड सेल है, बीच में स्टोमेटल ओपनिंग है और ये क्लोज दिखाया गया है। द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द प्लांट आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव थ्रू जाइलम वेसल्स दैट आर लाइक स्मॉल ट्यूब्स। अब जैसे हम लोग के बॉडी में दो तरह के वेसल्स होते हैं, जैसे आर्टरी और वेन, उसी तरह जो है प्लांट में दो तरह के वेसल्स होते हैं जो होता है जाइलम एंड फ्लोयम। जाइलम के द्वारा जो है नीचे से सॉइल से जो है वाटर एब्जॉर्ब या मिनरल्स एब्जॉर्ब होके प्लांट तक पहुंचाया जाता है और जहां पर वहां पर जब फूड फॉर्मेशन हो जाता है तो फ्लोयम के द्वारा सभी पार्ट में पहुँचा दिया जाता है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग वेदर फोटोसिंथेसिस हैज टेकन प्लेस और नॉट इज टू फाइंड आउट ऑफ स्टार्च इज प्रेजेंट इन लीफ और नॉट। लेट अस डू एन एक्टिविटी। द सो द स्टार्च इज प्रेजेंट इन लीफ। प्लक ए लीफ, एक पत्ती तोड़ लेना है। कीप इन द बॉइल्ड वाटर फॉर 5 मिनट टू सॉफ्टन इट। और उस बॉइल्ड वाटर में 5 मिनट के छोड़ देना है। पुट इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल। और उस एल्कोहल में जो है उस कंटेनर में जो है एल्कोहल मिला देना है। प्लेस ले लेना है। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर ऑफ वाटर एंड वार्म इट जेंटली टू रिमूव क्लोरोफिल।
Wash the leaf with water. Separate the leaf on a white टाइल एंड पोर आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट. रिजल्ट इसका क्या होगा? वी विल ऑब्जर्व डैट लीफ बिकम ब्लू ब्लैक. दिस शो द लीफ कंटेन स्टार्च. यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंड टूगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन. द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटेन एज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. यानी CO2 प्लस H2O द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक C6H12O6 प्लस O2. ग्लूकोज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस इज चेंज इन टू स्टार्च एंड स्टोर इन लीव स्टेम रूट एटसेट्रा. जो इसमें ग्लूकोज बनता है वो चेंज हो जाता है स्टार्च में और ये लीव में, प्लांट के लीव में, स्टेम और रूट में स्टोर्ड हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. The process of converting carbon dioxide and water into glucose and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis. यानी वो प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिक्स करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं. द फूड प्रिपेयर्ड बाई द प्लांट नॉट ओनली यूज बाई देम सेल्व बट ऑल्सो बाई द इंटायर लिविंग वर्ल्ड. दिस ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर. हेंस वी कैन से डैट इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट.